रविवार देर शाम पुलवामा में आतंकियों ने छुट्टी पर आए सीआरपीएफ जवान कोसी के घर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया। बता दें कि किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, साथ ही सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर कर आतंकियों की तलाश करनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर देर रात तक कई जगहों पर दबिश दी गई। तीन दिन तक अपना रौद्र रूप दिखाने के बाद अब यमुना की लहरें कुछ शांत होती नजर आ रही हैं। बारिश के कम होने के साथ साथ अब यमुना का जलस्तर में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सूत्रों की माने तो यमुना के जलस्तर में आई कमी के बाद बाढ़ का खतरा भी टल गया है, बावजूद इसके प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें कि हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ चुका था। पानी कम होने के बाद अब प्रशासन के अधिकारी उन सभी जगहों का जायजा ले रहे हैं जहां बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा है। यमुना में लगातार पानी छोड़े जाने के बाद प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। घरौंडा में यमुना के जलस्तर के बढ़ोतरी के बाद दो दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी में पानी के उफान को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में अलर्ट जारी किया है। वहीं देर रात करीब 1 बजे गांव बलहेड़ा के पास यमुना का तटबंध टूट गया और नदी के पानी का रुख गांव की तरफ हो गया। तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने तटबंध टूटने की सूचना तुरंत प्रशासन को दी और ग्रामीणों के साथ मिलकर तटबंध में आई दरार को भरने का काम किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आपात बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और पलवल जिलों के उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यमुना नदी के जलस्तर की जानकारी ली। बता दें कि सीएम खट्टर ने हथनी कुंड बैराज का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं सीएम ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी अलर्ट रहें ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। धान रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, परिवहन मंत्री कृष्ण कुमार और राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस दौरान कार्यक्रम में कई विधायक और हजारों की संख्या में किसान भी मौजूद रहे। रैली में सीएम ने घरौंडा में बनाई जा रही प्रदेश की पहली एनसीसी अकेडमी, पावर हाउस और कई सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री कृष्ण कुमार ने कहा कि उन्होंने पिछले 5 मुख्यमंत्रियों का राज देखा है। पिछली सरकारों में किसानों को मुआवजे के रूप में 5-5 रुपए के चेक मिलते थे, जबकि बीजेपी सरकार ने किसानों को मुआवजे के तौर पर 3,267 करोड़ रुपए दिए हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल रविवार को फरीदाबाद विधानसभा स्थित एसआरएस रेजिडेंसी पहुंचे। विपुल गोयल ने यहां करोड़ों की लागत से बनाई गई शिविर डिस्पोजल लाइन का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। वहीं सांसद राजकुमार सैनी ने इनेलो के जेल भरो आंदोलन पर चुटकी लेने के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि इस इलाके में विकास कार्यों को लेकर 50 करोड़ के काम हो चुके हैं, इसमें सेवर पानी और बिजली के काम शामिल हैं। विपुल गोयल ने कार्यक्रम में प्लास्टिक की बजाय स्टील के गिलास में पानी पिया और इसके साथ ही लोगों से भी प्लास्टिक का बहिष्कार करने की अपील की। सांसद राजकुमार सैनी का जन जागरण अभियान के तहत आज कई जिलों का दौरा वो करेंगे। तश्ता कार्यक्रम के तहत सांसद सैनी आज गन्नौर, पानीपत, घरौंडा और करनाल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर 2 सितंबर को पानीपत में होने वाली रैली की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सांसद राजकुमार सैनी 2 सितंबर को पानीपत में रैली कर अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। 2 सितंबर के ऐतिहासिक रैली के लिए सांसद सैनी के समर्थकों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। सांसद सैनी समाज के सभी वर्गों के लिए समान हक और अधिकार की आवाज उठाते रहे हैं। कुरुक्षेत्र से सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा मंच के अध्यक्ष राजकुमार सैनी जन जागरण अभियान के तहत भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक जाति विशेष के लोगों को भ्रम था कि केवल वो ही सरकार चला सकते हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने उनका भ्रम तोड़ दिया। इस दौरान सैनी ने कहा कि वो 100% आरक्षण दिए जाने की वकालत करते हैं।
वहीं सांसद राजकुमार सैनी ने इनेलो के जेल भरो आंदोलन पर चुटकी लेने के साथ ही अशोक तंवर पर भी निशाना साधा। राजकुमार सैनी ने एक बार फिर कहा कि वो 2 सितंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। सैनी ने कहा कि 10% लोगों ने 90% लोगों का हक छीना और 50 से 52% नौकरियों पर कब्जा कर लिया। रविवार को झज्जर में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सूबे के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कृषि मंत्री द्वारा पूर्व सीएम हुड्डा को सूबे का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री करार दिए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री जी को आत्ममंथन करना चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि अब जनता को इन मंत्रियों को पहचान चुकी है जनता। सांसद ने कहा कि पता नहीं क्यों बीजेपी को हुड्डा साहब के रथ से तकलीफ है। बीजेपी के विधायक से लेकर सांसद और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी को हुड्डा साहब ही दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने 19 जुलाई से रोहतक गढ़ी सांपला किलोई से शुरू हुई तीसरे चरण की साइकिल यात्रा का कलानौर में जनसभा कर समापन किया। हालांकि तीसरे चरण की यात्रा का समापन 22 जुलाई को होना था लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की वजह से यात्रा का समापन 29 जुलाई को किया गया। वहीं इस दौरान अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की साइकिल यात्रा जहां जहां गई है वहां पर इनेलो और बीजेपी का सफाया हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक 24 विधानसभा यानी 5 जिले कवर कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले वक्त में हरियाणा में 80 विधानसभा और 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी को तोहफा दिया जाएगा। जींद में 30 सितंबर को होने वाले परिचय सम्मेलन को लेकर अखिल भारतीय अग्रवाल समाज जींद की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान डॉक्टर राजकुमार गोयल ने की। बैठक में परिचय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए सावर गर्ग ने कहा कि आगामी 30 सितंबर को जींद के अग्रसेन स्कूल में उत्तर भारत के ऐतिहासिक विवाह योग्य अग्रवाल युवा युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में हजारों अग्रवाल बंधुओं की उपस्थिति में सैकड़ों विवाह योग्य प्रत्याशी अपने जीवन साथी का चयन करेंगे। जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री के घर हुई आगजनी मामले में आज विशेष सीबीआई जज जगदीप सिंह की अदालत में सुनवाई होगी। आज इस मामले में चालान पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है जिसके बाद सभी आरोपियों को समन किया जाएगा और आरोपियों की चार्जशीट की कॉपियां भी दी जाएंगी। मामले में इससे पहले हुई सुनवाई में सभी आरोपी सीबीआई कोर्ट में पेश हुए थे। वहीं इस दौरान मामले में बचाव पक्ष के वकील सतीश कादिया ने बताया कि सीबीआई द्वारा सीबीआई जज कपिल राठी की कोर्ट में 51 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी और इस मामले में करीब 34 आरोपी जमानत पर चल रहे हैं जबकि 6 आरोपी जेल में बंद हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह से ही देशभर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना की जा रही है। भगवान भोलेनाथ के भक्त हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिरों में लंबी लंबी कतारों के बावजूद आस्था के साथ महादेव की पूजा आराधना कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार और रुद्राभिषेक किया जा रहा है। रेवाड़ी के प्राचीन श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर और भूतेश्वर मंदिर समेत सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु बाबा भोले का गुणगान करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु दूध से और जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। होटल के गांव रायदासका के राजकीय माध्यमिक स्कूल में सही वक्त पर स्कूल नहीं आने पर 2 अध्यापकों के खिलाफ जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा ने कार्रवाई की है। स्कूल के इन अध्यापकों की शिकायत ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा से की जिसके बाद उपायुक्त ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्कूल का दौरा किया। बता दें कि दौरे के दौरान जिला उपायुक्त ने पाया कि बच्चे तो वक्त पर स्कूल पहुंच जाते हैं लेकिन स्कूल के 2 अध्यापक वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचते। इस बात का खुलासा हुआ कि स्कूल वक्त पर न आने वाले अध्यापक खुद का निजी स्कूल भी चला रहे हैं जहां पर वो सरकारी स्कूल के बच्चों का दाखिला करते हैं। हालांकि इस मामले पर पूछे जाने पर स्कूल के प्रिंसिपल अध्यापकों का ही पक्ष लेते नजर आए।
हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, वहीं अंबाला के सुल्लर गांव की गौशाला में गाय भूख के मारे दम तोड़ रही है। यहां गायों को चारा तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते रोजाना गौशाला में करीब 2 से 3 गायों की मौत हो रही है। गौशाला में करीब 350 नंदी बछड़े और गाय हैं, जिनके लिए रोजाना करीब 100 क्विंटल हरे चारे की जरूरत होती है, लेकिन 3 दिन में गौशाला को केवल 40 क्विंटल हरा चारा ही मिल पाया है। वहीं आग से झुलसे दोनों बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अपनी पत्नी और बच्चों को आग के हवाले करने के बाद व्यक्ति ने सल्फास खाकर जान दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। फतेहाबाद के हरिपुरा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने आपसी कलह के चलते अपनी पत्नी और 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। शख्स ने पत्नी के सिर पर हथौड़ा मारकर मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं बच्चे की गला काटकर हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि पत्नी और बेटी की हत्या के बाद शख्स ने खुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन लोगों ने उसे काबू कर लिया। आरोपी प्लम्बर का काम करता है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झज्जर में स्कूलों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक स्कूल वैन और ट्रक की टक्कर में 12 बच्चे और 2 ड्राइवर घायल हो गए। दरअसल सुबह के समय निजी स्कूल की वैन में गांव सेलानी के करीब 15 बच्चे ठूस ठूस कर भरे गए थे, लेकिन अचानक स्कूल वैन की टक्कर एक ट्रक से हो गई। बता दें कि इस घटना में करीब 12 बच्चों को चोटें आई, साथ ही स्कूल वैन का ड्राइवर और ट्रक का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं जब इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई, तो उन्होंने स्कूल वैन में इतने बच्चे होने से साफ इनकार कर दिया। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि वैन में सिर्फ 8 बच्चे थे। बता दें कि हादसे की सूचना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे, साथ ही उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। खबर दिखाने के बाद महाविद्यालय की प्रबंधक कमेटी ने आरोपी प्रोफेसर को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब आरोपी प्रोफेसर ने आरटीआई से प्राप्त जानकारी का चिट्ठा लेकर एसपी को शिकायत दी है कि अहिर कॉलेज के प्राचार्य ने गलत तरीके से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। खबर दिखाने के बाद महाविद्यालय के प्रबंधक कमेटी ने आरोपी प्रोफेसर को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब आरोपी प्रोफेसर ने आरटीआई से प्राप्त जानकारी का चिट्ठा लेकर एसपी को शिकायत दी है कि अहिर कॉलेज के प्राचार्य ने गलत तरीके से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। वहीं एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए एसआईटी गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस महाविद्यालय के चेयरमैन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के छोटे भाई और कोसली से पूर्व विधायक राव यादवेंद्र सिंह हैं। हांसी के महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए श्री पंचायती रामलीला ग्राउंड में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं के स्टेट टॉपर्स डिस्ट्रिक्ट हिसार और भिवानी टॉपर्स सहित नारनौंद और भुवानीखेड़ा ब्लॉक के 82 स्कूलों और 507 विद्यार्थियों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया।
बता दें कि समारोह में जिला परिषद भिवानी के चेयरमैन रमेश ओला और हाउस फेड हरियाणा के चेयरमैन जोगीराम सिगाह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं राहा ग्रुप के प्रधान नरेश सेलपाड़ ने बताया कि राहा क्लब पिछले कई सालों से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। उनका उद्देश्य उन बच्चों को आगे लाना है जो बच्चे आर्थिक रूप से पढ़ाई में सक्षम नहीं हो पाते। शेयर बाजार की रिकॉर्ड ओपनिंग शुरू हुई है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स ने 37,496 का और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी ने 11,304 का उच्चतम स्तर छुआ। वहीं सेंसेक्स 98 अंक चढ़कर 37,434 के स्तर पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी 14 अंक की बढ़त के साथ 11,295 के स्तर पर आ गया। बता दें कि सबसे ज्यादा तेजी SBIN और ICICI बैंक के शेयर्स में आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल के दाम 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 13 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं बीते दिन दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 76.16 रुपए और डीजल की कीमत 67.62 रुपए थी। नई दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाला सोना 30,780 रुपए जबकि 99.5% शुद्धता वाला सोना 30,630 रुपए प्रति ग्राम प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत 130 रुपए से बढ़कर 38,325 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंचा। हालांकि चांदी के सिक्कों की कीमत प्रति सैकड़ा 74,000 रुपए खरीद और 75,000 बिक्री के पिछले स्तर पर बरकरार रहा। इंग्लैंड के पिछले दौरे पर लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले ईशांत शर्मा ने एक बार फिर टीम इंडिया को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें लगाई हुई हैं। साल 2014 में हुए दौरे पर लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में ईशांत ने 7 विकेट छटके थे। अब 4 साल बाद भी ईशांत शर्मा का वैसा ही प्रदर्शन जीत की उम्मीद को दोगुना कर देगा।